एवरीवन गुड इवनिंग क्या हाल चाल ने सभी लोगों के वेलकम बैक टू द डेली न्यूज़ एनालिसिस जो कि अभी डेली नहीं हो पा रहा है एज यू नो स्लाइटली हेक्टिक स्केड्यूल की वजह से बट uh, फिर भी आई एम ट्राइंग टू कवर टुडे जितनी न्यूज़ आई हमारी लास्ट uh, एक हफ्ते के अंदर सो वट एवर इम्पॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैव कम आई विल ट्राई एंड कवर हैुड ईनिंग एवरी वन वेलकम बैक टू दिस एनालिसिस क्विकली शेयर कर दीजिए दैट वी आर लाइव एंड सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द सेशन तो मेजरली वी विल कवर न्यूज टूडे एडिटोरियल्स आई वॉज गोइंग थ्रू कुछ कुछ ओके okay इश थे प्रॉबेबली uh, एडिटोरियल्स के लिए आई टेक का सेपरेट सेशन और जो भी न्यूज़ मुझे लगी इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत सारी न्यूज़ ऐसी थी जो रिडनडेंट थी आई डिड नॉट फील कि उतनी ज़्यादा हमें करने की उसको जरूरत है अभी तो वी विल बी फोकसिंग ऑन द मेन न्यूज आइटम्स राइट तो जस्ट गिव मी टू मिनट्स इन द मीन वाइल्स सब लोग को एक बार मैसेज करते हैं आप दैट वी आर लाइव फॉर द क्लास एंड So, हम लोग आज जो कवर करेंगे दैट इज द न्यूज कवरेज फ्रॉम सेवेंथ टू ट्वेल्थ जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज थी उसको हम लोग आज कवर अप करने वाले सोशलॉजी बेटर ऑप्शनल दैन पोलिटिकल साइंस यार ये या आप पे डिपेंड करता है दोनों ही ऑप्शन अच्छे हैं डिपेंड्स ऑन यू आज एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है रिगार्डिंग द पॉपुलेशन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए उसको पहले जरा कवर करेंगे हम लोग एंड देन विल गो विद द अदर न्यूज सर नहीं आए सर तो आ गए भाई नंदनी आपको दिखाई नहीं दे रहे गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन हाय गुड इवनिंग एवरीवन हाँ कोई बात नहीं बैठ सबमिट कर दीजिएगा आंसर एक आर्टिकल अच्छा आया है वेस्ट एशियन क्वाड को लेके जो इंडिया इजराइल यूएस और यूएई का समिट हुआ है उसका नाम रखा गया आई टू यू टू समिट उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे Uh, so editorial probably will take up tomorrow, but today we'll discuss the major news or the u n population report that is very very important for us. The trends of population Just once again, I'm just uploading that particular slide. एक्चुअली वो थोड़ा ब्लर हो रखी हुई देर इज वन जिस्ट करके आया है फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेके फॉरेस्ट राइट एक्ट इज एनी वे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम्पल वैल्यू एडेड टैक्स तो हर स्टेट के पास अपनी जिम्मेदारी होती है लाने की बट इफ दे आर अंडर जीएसटी दे कैन नॉट ब्रिंग अट वैट ओनली दो आइटम्स विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ जीएसटी कैन है वैट सिस्टम राइट ओके कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई हाउ इज एवरीथिंग गोइंग गर डॉक्ट्रिन के बारे में बात करेंगे बट वंस वी आर टॉकिंग अबाउट द द ना जो वेस्ट एशिया क्वाड करके एक न्यूज आई है जब उसको कवर करेंगे एडिटोरियल में तो देन विल डिस्कस अबाउट इट सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल मेंटोरशिप ग्रुप पे भी जरा एक बार लोगों को मैसेज डाल दो दैट वी लाइव फॉर द क्लास वाला ग्रुप है प्लीज भी, भी डाल इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू फटाफट ठीक है तो हम लोग मोटिवेशन कोट करते थे पहले आज भी वो तो कंटिन्यू रखेंगे आपको अपने गोल्स लोअर करने की जरूरत नहीं है कोई बात नहीं परफॉर्मेंस कभी उतना एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होता दैट डज नॉट मीन दैट यू शुड लोअर योर गोल्स यू शुड बेसिकली रेज योर स्टैंडर्ड्स एंड एबिलिटी गोल को आपने नीचे लाने की जरूरत नहीं है ठीक है स्टिल डिस्कवरी थी अशोकन एडिक्ट यहाँ पे मिला एंड यहाँ पे एक टेम्पल था जो चंद्रलंबा लम्बा टेम्पल वो कोलेप्स कर गया था तो उसके बाद अगर आप देखोगे Uh, ये जो साइट है तो uh, so, एक राउंड बफर नहीं होता एक बार जरूर होता है पता नहीं कुछ तो है इसका सिस्टम जो भी है तो so, चैत्य जो होते हैं हमारे प्रेयर हॉल होते हैं बुद्धिस्ट के एंड विहार जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं मैं मैं साइड में वैसे भी देख रहा होता हूं, मुझे पता चल जाता है आई एम जस्ट गोइंग थ्रू इट तो मुझे दिख जाता है कि रिफ्रेश करने पे चल रहा है नहीं चल रहा है या स्टक हो रहा है तो तो चैते आ रहीय बिहार्स रही रही एक आर्टिकल आया था जी एस वन सोसाइटी तो हमारी टीम ने, think, अर्चित ने यह बनाया बहुत बेहतरीन माइंड मैप बनाया आप लोग इसको देख लीजिएगा एंड जस्ट गो थ्रू इट वंस पसमंदा मुस्लिम एक्चुअली फोकस में क्यों आए क्योंकि मोदी जी गए थे आंध्र प्रदेश तेलंगाना तो दीज पसमंदा मुस्लिम्स आर बैकवर्ड मुस्लिम्स इनको एक्चुअली दलित मुस्लिम भी बोला जाता है तो इनको पसमंदा मुस्लिम्स बोलते हैं एंड मेजरली इनकी डिमांड ये रही कि दे वांट रिजर्वेशन फॉर दिस दलित मुस्लिम इंप्लीमेंटिंग दी कारपुरी ठाकुर फार्मूला लाइक बिहार सो देर इज नो फियर ऑफ एनी काइंड ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज चाहिए इनको अंडर द एम सेक्शन तो ये पूरा समराइज कर दिया गया इनको ठीक है तो हैं कौन ये लोग सो पर्शियन वर्ड है ये पसमंदा इसका मतलब होता है जो पीछे रह गए पिछड़े हुए वंस वो लेफ्ट बिहाइंड ठीक है पसमंदा का मतलब होता है जो पीछे रह गए पिछड़े हुए एंड इट इज यूज टू डिस्क्राइब डिप्रेस क्लासेज अमंग द मुस्लिम जनरली हमें लगता है जो वर्ना सिस्टम है वो सिर्फ हिंदुइज्म में नहीं मैंने इनफैक्ट आज की सोशलॉजी क्लास में ये बताया भी था कि वर्ल्ड में पैरल्स मिलते हैं यू कैन फाइंड इन जर्मनी यू कैन फाइंड इन स्वीडन यू कैन फाइंड सिमिलर कॉन्सेप्ट इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो ठीक है Germany, Sweden, तो पसमंदा आर अप्रॉक्सिमेटली एट्टी टू एटी फाइव परसेंट ऑफ इंडियन मुस्लिम्स तो जनरली जो हाई कास्ट होते हैं नोबल कास्ट उनको हम लोग बोलते हैं शेख सैयद अशरफ एलफ जो होते हैं या अरजल जो होते हैं या अंसारी जो होते हैं वो लोअर कास्ट मुस्लिम्स होते हैं ठीक है और अशरफ मुस्लिम जनरली पे डिग्री होती है इनकी दे कम दैट कम उनका जो एंसेस्ट्री है दैट इज़ कम फ्रॉम अरेबिया परजिया ठीक है उनको हम अशरफीज़ बोलते हैं अशरफ एलफ जनरली जो होते हैं वो मिडिल क्लास होती है इनकी या फिर जो इन्होंने कन्वर्ट किया होता है फ्रॉम हिंदुजम जैसे राजपूत थे तो मुगल के टाइम पे इन्होंने कन्वर्ट किया होगा ठीक है दे हैव ड्यूरिंग राजपूत यू नो गौर त्यागी मुस्लिम इनको भी हम लोग बोलते हैं तो अशरफ्स ट्रेडिशनली डोमिनेंट ग्रुप अब ये डोमिनेंट कास्ट का टॉपिक आप सोशलॉजी से लिंक कर सकते याद हो याद होगा आपको डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था डोमिनेंट कास्ट हु द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट इन सोशलॉजी बताइए या जनरली आई विल ट्राई टू डू द डीएनए इन द मॉर्निंग बट अभी हो नहीं पा रहा है इस वजह से मैंने किसी तरीके से आपका छूटना नहीं चाहिए इसलिए मैं कवर अप करा दे रहा हूँ तो डोमिनेंट कास्ट जो है कि कुछ स्पेसिफिक कैरेक्ट्रिस्टिक्स होती है कुछ कास्ट की जो एरिया में डोमिनेट करती है एम एन श्रीनिवास ठीक है एम एन श्रीनिवास साहब ने दिया है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट ठीक है तो उन्होंने सोशोलॉजी ऑप्शन वाले बता सकते हैं आपको

तो ये देखो कितना सही लिंक है ये कि हम लोग सोशोलॉजी में पढ़ते हैं या आप सोसाइटी uh, में भी पढ़ोगे कास्ट कहां से आया है तो कास्ट ऑक्युपेशन के बेसिस पे तो ये देखो जो ओरिजिनल कास्ट थी उसकी बन गई ऑन द बेसिस ऑफ गईन तो अंसारी कौन लोग थे जो वीवर थे कुरेशी हो गए बुचर्स बट कोई जनरल कंसेंसस नहीं है इसको लेके तो इनके जो स्टेटस है उसको लेके प्रधानमंत्री मोदी ने हाईलाइट किया दैट यू नो जो बीजेपी सरकार या बीजेपी पार्टी जो है वो इनके अपलिफ्टमेंट अप, और वेलफेयर के लिए काम करे तो वेरी इंपॉर्टेंट माइंड मैप वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जी एस वन के लिए और सोशलोजी के लिए भी एंथ्रोपोलॉजी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप में से किसी का अगर एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है अब आते हैं हम रीडिंग यू एन पॉपुलेशन रिपोर्ट ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज की यही है अगर आप देखोगे तो वाट इज दिस यू एन पॉपुलेशन रिपोर्ट और ये क्या बोल रही है इसके लिए ज़रा हम लोग तो ज़ूम कर दें। so, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो यूएन पॉपुलेशन रिपोर्ट बोलती है कि इंडिया जो है ठीक है वो चाइना को सरपास कर जाएगा बाय 2023। तो हम वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएंगे 2023 तक जो कि कोई बहुत अच्छी बात नहीं है हमारे लिए क्योंकि इससे चैलेंजेस बढ़ जाएंगे हमारे यहाँ ऑलरेडी रिसोर्स क्रंच इतना ज्यादा है रिसोर्सेज के और इशू हो जाएंगे और सब किसी को सेटिस्फाई करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है एंड वाइल ग्लोबल पॉपुलेशन विल रीच एट बिलियन दिस ईयर तो अकॉर्डिंग टू द 2022 एडिशन ऑफ द रिपोर्ट ये यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट आई है इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू सरपास चाइना बाय 2023 ट्वेंटी थ्री एंड ये जो रिपोर्ट होती है ये 1951 से आ रही है ठीक है बाइनियल रिपोर्ट है बाइनियल मतलब साल में दो बार आती है मतलब बेसिकली दो साल में एक बार आएगी सॉरी ठीक है तो 1951 से ये रेगुलरली आ रही है एंड इसमें आप देखोगे दे ऑलवेज इन टूक ऑन सम न्यू डेटा तो वॉट आर द की टेक अवेज इसका क्या है तो द वर्ल्ड पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू ग्रो बट द पेस इज स्लोइंग डाउन पहला पॉइंट पॉपुलेशन जो है वो ग्रो कर रही है लेकिन उसका पेस जो है वो स्लो डाउन हो रहा है मतलब उतने रेट से ग्रो नहीं कर रही तो जब बोलते हैं ना एडिटोरियल की सर समरी कैसे बनाते हैं ऐसी समरी बनाई जाती है इसको साथ साथ में आप नोट करते चलिए दैट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज ग्रोइंग बट द पेस हैज गोइंग बस द पेस इज गोइंग डाउन दैट मीनस द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज डिक्लाइनिंग ठीक है 2020 में तो ग्लोबल रेट फैल अंडर वन परसेंट क्यों क्योंकि कोविड था अब उसको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है रेट सेकंड बोल रहा है रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी सिग्निफिकेंटली अक्रॉस कंट्री हर कंट्री के हिसाब से अलग अलग है हाफ ऑफ द प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन ग्लोबल पॉपुलेशन विल बी कॉन्सेंट्रेटेड इन जस्ट एट कंट्रीज मैक्सिमम कंट्री कहां से पॉपुलेशन कॉन्ट्रीब्यूट हो रही है वर्ल्ड की डीआरसी इजिप्ट इथियोपिया इंडिया नाइजीरिया पाकिस्तान फिलीपींस यूके ये कंट्रीज हैं जो आठ कंट्रीज हैं ये कंट्रीज मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हैं टू द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड ये जो आठ कंट्रीज हैं ठीक है सो द फोर्टी सिक्स ग्लीस डेवलप कंट्रीज आर अमंग द दर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेनी आर प्रोजेक्टेड टू डबल द पॉपुलेशन बिटवीन ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी फिफ्टी ये देखो आप उसके अलावा जो हमारे ओल्ड एज पेशेंट्स हैं या ओल्ड एज और ओल्ड एज पॉपुलेशन है उनका भी नंबर बढ़ा है बिकॉज हमारी एवरेज जो डेथ रेट है वो भी कम है लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई अभी हमने देखा था लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ चुकी है अब जो है डेथ डेथ रेट उतना हाई नहीं है सो द शेयर ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन अबव सिक्सटी फाइव ईयर्स अबव इज प्रोजेक्टेड टू राइज फ्रॉम टेन परसेंट टू सिक्सटीन परसेंट इन ट्वेंटी फिफ्टी सोलह परसेंट तक बढ़ जाएगी पॉपुलेशन दो हज़ार पचास तक एल्डरली लोगों की उसके अलावा अगला पॉइंट बोल रहा है सस्टेन ड्रॉप इन फर्टिलिटी हैज लेड टू इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दी वर्किंग एज क्रिएटिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सिलेटरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ डेमोग्राफिक डिविडेंड अचीव करने का इससे सही मौका नहीं मिलेगा मैक्सिमम वर्किंग एज पॉपुलेशन इस समय क्यों क्योंकि फर्टिलिटी रेट कम हो गया है तो इस समय जो मैक्सिमम जो इन कंट्रीज की पॉपुलेशन है उसमें यंग जनरेशन बहुत है जो वर्किंग एज में जो आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स uh, में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है तो इसके लिए हम की हमें इनकी स्किलिंग पे हमें इनकी एजुकेशन पे हमें इनकी एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करने की जरूरत है इंटरनेशनल माइग्रेशन इज़ ऑल्सो हैविंग इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट फॉर फॉर हाई इनकम कंट्रीज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन टू पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सीडेड द बैलेंस ऑफ बर्थ ओवर डेथ तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर माइग्रेशन भी बहुत ज़्यादा हुआ तो उससे भी पॉपुलेशन बढ़ी है फॉर टेन कंट्रीज द एस्टिमेटेड नेट आउटफ्लो फॉर माइग्रेंट वर्कर एक्सीडेड वन मिलियन ओवर द पीरियड फ्रॉम ट्वेंटी टेन क्योंकि अब देखो जो कंट्रीज़ से जहाँ पे उन्हें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली वहाँ से वो लोग गए और यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादातर इन माइग्रेशन होता है जिनको हम बोलते हैं इमिग्रेशन इमिग्रेशन मतलब बाहर जाना तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ से लोग बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए इन कंट्रीज़ में माइग्रेट कर गए ठीक है तो अब ये रिलायबल कितना है डेटा जनरली माना जा रहा है कि डेटा जो है ये काफी रिलायबल है बट इसके पहले भी एक बार डेटा आया था जिसमें ये बोला गया था कि इंडिया की शायद पॉपुलेशन चाइना को सरपास करेगी दो में बट अब ये बोल रहे हैं दो में कर देंगे तो द प्रॉब्लम इज दैट इंडिया की पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ी है एंड इंडिया की पॉपुलेशन इज ऑलरेडी 1.4 बिलियन एंड मे गो अप टू 1.6 बिलियन बिफोर डिक्लाइनिंग ठीक ऑलरेडी हम वन पॉइंट बिलियन हो चुके हैं तो पॉलिसी इंप्लीकेशन क्या है सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ठीक है एजुकेशन हेल्थ स्पेशली एल्डरलीज पे भी ध्यान देने की जरूरत है जो पैंसठ से ऊपर साल कैटेगरी के जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं क्योंकि जो हमारा देखो ओल्ड एज पॉपुलेशन भी बढ़ रही है क्योंकि डेथ रेट इतना हो नहीं रहा है उनको अकोमोडेट करना उनके वेलफेयर के ऊपर देखना भी बहुत जरूरी है साथ साथ जो यंग पॉपुलेशन है वो आपकी वर्किंग एज में शिफ्ट हो गई तो उनके लिए एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट स्किलिंग ये सब चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा तो दीज आर द मेजर चैलेंजेस दैट वी फेस वही चीज जो है आपकी देखो यहां पे दी हुई है नाइनटीन में वर्ल्ड की पॉपुलस कंट्री दो और दो इंडिया भी टेक भी विल ओवरटेक चाइना देन वी विल हैव यूएस नाइजीरिया पाकिस्तान इंडोनेशिया ब्राजील ये टॉप सिक्स कंट्रीज होंगी पॉपुलेशन वाइज अब इंडिया का अगर आप देखो पॉपुलेशन बाई बर्थ एंड डेथ रेट एनुअल बर्थ एंड डेथ रेट देखो बर्थ रेट कम हो रहा है डेथ रेट जो है आपका वो भी आप देखोगे स्टेबलाइज हो चुका है और एज ग्रुप देख लो आप पॉपुलेशन मैक्सिमम लोग जो है वो आपकी वर्किंग एज पॉपुलेशन के बीच में है और इवन पीपल जो एल्डरली है वो भी बढ़ रहे हैं और एवरेज नंबर ऑफ बर्थ पर वुमेन कहाँ पे ज्यादा है सब सहारन अफ्रीका देखो ये ट्रेंड अलग ये ट्रेंड सही है क्यों क्योंकि जनरली हम जब पॉपुलेशन पिरामिड का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इकोनॉमी में आपको याद होगा तो हम लोग उसमें ये चीज देखते हैं कि जनरली जो कंट्रीज डेवलपिंग होती हैं उन कंट्रीज में जो बर्थ रेट और डेथ रेट इनिशियली बहुत हाई रहता है तो वो चीज आपको यहाँ पे अफ्रीकन रीजन में देखने को मिल रहा है चाहे नॉर्थ अफ्रीका हो सेंट्रल एशिया हो ये सारी कंट्री जहां पर आपका कंट्री का जो स्टेटस है अगर डेवलपिंग इकोनमी है तो वहां पे क्या है उतनी फैसिलिटीज नहीं होती तो डेथ रेट एंड बर्थ रेट इज जनरली हाई सेम इज द केस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है सो दैट कॉन्सेप्ट इज द पॉपुलेशन पिरामिड कॉन्सेप्ट जो आप लोग पढ़ते हो वही चीज यहाँ पे हाईलाइट की सो दीज आर सम की टेक अवेज इसको ध्यान रखिएगा वेरी वेरी important फॉर एग्जाम ठीक है आई एल जस्ट सेव इट फॉर ऑल ऑफ यू सो आई एल शेयर द नोट्स ऑन टेलीग्राम ठीक है टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा आप लोग इसको देख लीजिएगा बाकी ये आर्टिकल जो है इसको एक बार पढ़ लीजिएगा बिकॉज इसमें बताया हुआ है कैसे जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसको ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है एफ आर ए बीन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर यूपीएससी एग्जाम चाहे वो मेन्स में हो चाहे वो प्रिलिम्स में हो इसको हम लोग एक बार कल पिकअप करेंगे लेकिन दिस आर्टिकल इज वेरी गुड इट टॉक्स अबाउट वॉट इज द फेलियर ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट बाकी आपको बताइए शेर को लेकर बवाल हो गया पता है ना क्या बवाल हो रहा है वो बोल रहे हैं ऑपोजिशन पार्टी बोल रही है कि जो नेशनल सिंबल है उसका कैरेक्टर चेंज कर दिया गया है भाई क्या चेंज कर दिया अब शेर हमारा थोड़ा अग्रेसिव हो गया तो उसमें बुराई क्या है शेर तो शेर होता है शेर को उंगली करोगे तो शेर काट लेगा शेर तो शेर तो ही होता है ना देखो डेली टाइमिंग ऑफ डीएनए आई विल कीप इट फ्रॉम टू इन द मॉर्निंग ठीक है बट अभी मेरे को मैंने कुछ दिन के लिए आप लोगों से बोला है कि थोड़ा एडजस्ट कर लो मैं शाम को ही ले पाऊंगा नहीं तो मैं रिकॉर्डिटी लगा पाऊंगा बिकॉज ऑफ द हेक्टिक है एनी वे दिस इज द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग विच हैज बीन इनाग्रेटेड बाई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड जो शेर है हमारा नेशनल एम्बलम है ठीक है अशोक का एम्बलम जो है ये अशोक सारनाथ पिलर से निकला है अब इसमें लोग ये अब जबरदस्ती का कॉन्ट्रोवर्सी कि ये जो है ऐसा है वैसा है दांत निकल आए हैं भाई तो थोड़ा बढ़िया बना दिया पहले थोड़ा रॉयल एरिस्टोक्रेटिक था पहले ब्रिटिश टाइप लगता था बाल बाल बने हुए थे बढ़िया शेर के अब वाले शेर के थोड़ा रगेड लुक है मतलब थोड़ा साधु टाइप लुक है केयर फ्री है रगेड टू यू नो उसमें है तो क्या हो गया अग्रेसिव इंडिया की निशानी है वी आर एग्रेसिव नेशन न से of, of uh, uh, जो हमारी डिमांड uh, है पॉलिसीज हैं हम किसी से दबेगा नहीं ये दबेगा नहीं और ना झुकेगा इंडिया आंखों से आंखें मिला के बात करेगा जैसे मोदी जी बोलते हैं हम आंखों से आंख मिला के बात करेंगे तो इसमें जबरदस्ती की कॉन्ट्रवर्सी ठीक है हमने देखा ही था ये बुद्धिस्ट साइट जो है न्यूज में बाकी ट्वेंटी रेड पैंड टू मेक होम इन द फॉरेस्ट ठीक है तो ये जो रेड पैंडास हैं सिक्किम में मिलते हैं आपको दार्जिलिंग सिक्किम के साइड मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इन दी पद्मजा नायडू हिमालयन जुलॉजिकल पार्क इन दार्जिलिंग दे विल रिलीज ट्वेंटी ऑफ दीज एंडेंजर्ड मैमल्स तो इनको री इंट्रोड्यूस करेंगे री इंट्रोड्यूस का बेसिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है जो ये तो so, इनका नंबर डिक्लाइन हो रहा है so, इनको फॉरेस्ट में दोबारा छोड़ा जाएगा तो रिसेंट स्टडी में पाया गया दे रहा है थर्टी एट ऑफ दैम इन दिसिया एंड थर्टी टू इन नेवरा तो ये स्मॉल रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं जनरली दे आर वेरी शांत टाइप के प्राणी होते हैं एंड ये स्टेट एनिमल है सिक्किम के एंड इंडिया नेपाल भूटान के आपको जंगलों में मिलेंगे भूटान में काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं तो so, इनको दोबारा री इंट्रोड्यूस कुछ फॉरेस्ट एरिया में छोड़ा जाएगा जहाँ पे इनकी पॉपुलेशन थोड़ी डिक्लाइन हो गई है तो so, ये जो सिंगाल ये सिंगालीला नेशनल पार्क जो है ये इट्स बेसिकली सिचुएटेड अराउंड द दार्जिलिंग हिल्स के पास ये सिंगालीला एंड न्योरा वैली नेशनल पार्क प्रलियम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये लोकेशन देखो कितनी ब्यूटीफुल जगह है यहां पे बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको एनजोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इंडिया का एपिक्स बॉडी है जो इन सबके कंजर्वेशन पे काम करता है बाकी एक जॉ बोन जो है इसको स्पेन की बुरगॉस बुरगॉस सिटी में डिस्कवर किया गया है इससे यूरोप के कह सकते हो जो हमारे होमो टेपियन जो गए थे अलग अलग जगह तो वहां पे इसको डिस्कवर किया है तो ह्यूमन सिविलाइजेशन एंथ्रोपोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है देख रहे हो एंथ्रोसोशियो मान लो आप सब लोग के लिए रोज न्यूज में कुछ ना कुछ आता है ऑप्शनल का प्रता एडिटोरियल भी इसी में करेंगे बट एक स्पेसिफिक दिन करेंगे सैटरडे संडे को उसको लेंगे हम लोग बस एडिटोरियल्स पूरे हफ्ते का सैटरडे संडे को कवर अप करेंगे क्योंकि हर दिन एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं होते ठीक है मैं आप लोग को बता दूं मैं ये प्लान शेयर करना चाहता हूं आप लोगों से कि रोज देखो पॉसिबल नहीं भी हो पाता बिकॉज हेक्टिक बहुत होता है तो प्लान इज मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे इस दिन होगी न्यूज़ आज ट्यूजडे चलो इसलिए करा दिया न्यूज एनालिसिस होगा इस दिन टाइमिंग जनरली हम लोग वही रखेंगे और ट्यूसडे को हो सकता है और सैटरडे को इसको हम लोग करेंगे एडिटोरियल और इसमें करेंगे एडिटोरियल ये प्लान है संडेज़ को अगर हमें लगा तो क्लास होगी अदरवाइज संडेज़ को नहीं होगी इससे क्या होगा हमारा पिछला पूरा कवर हो जाएगा एडिटोरियल दो दिन रहेगा तो हर दिन जबरदस्ती टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है विल ट्राई एंड स्टिक टू थर्टी मिनट्स टाइम लाइन ऑफ द न्यूज़ एनालिसिस ठीक है तो बस ये टाइम लाइन अपने माइंड में रखिएगा आज ट्यूजडे को ले लें क्योंकि कल हो नहीं पाया था थोड़ा हेक्टिक था तो इसलिए आज क्लास ले ली बट जनली दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू डू तो अभी वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द एंसेस्टर स्पेसिफिक एंसेस्टर कौन सा है जो यहाँ पे पाया गया है बाकी किरण रिजिजू जो ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर उन्होंने बताया कि इंडिया में ऑलमोस्ट मोर देन फाइव करोड़ केसेस पेंडिंग चल रहे हैं ठीक है पेंडेंसी ऑफ केसेज वेरी हाई एंड जिसमें से आप देखो के, क्रिमिनल केसेज सबसे ज्यादा पेंडिंग है तो सुप्रीम कोर्ट को लीजिए मैं रिसेंटली रिकमेंड किया है अपॉइंटमेंट ऑफ वन ट्वेंटी नाइन हाई कोर्ट जजेस बट फिर भी आप देखो हाई कोर्ट में सबसे ज्यादा केसेस पेंडिंग है तो वैकेंसी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है उसका लेकिन कई बार और भी कई सारे मुद्दे होते हैं बट दिस डज नॉट रिफ्लेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ द जुडिशल सिस्टम क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज को लेके आप देखोगे केस फाइल हो जाता है तो दिस इज केसेस पेंडिंग इन हाई कोर्ट इन लैख केसेस पेंडिंग इन सबऑर्डिनेट कोर्ट ये बेसिकली करोर्स में चल रहा है फिफ्टी सिक्स लैख फोर करोर्स ठीक है केसेस पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट इन थाउजेंड सेवेंटी थाउजेंड वैकेंसी ऑफ जजेस इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ठीक है एक्चुअल स्ट्रेंथ कितनी है इतनी जो होनी चाहिए और है कितनी कम तो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में तो फिर भी जगह है हाई कोर्ट में सबसे ज्यादा वैकेंसी है वैकेंसी बहुत ज्यादा है हाई कोर्ट्स में आप देखो थर्टी एट थर्टी सेवन परसेंट वेकेंसी है तो दीज आर द रीजन वाई देर इज अ पेंडेंसी ऑफ केसेस तो यही चीज बताता है जस्टिस डिलेड इज इक्वल्स टू जस्टिस नाइन अब अंडर ट्रायल हो आप तारीख पे तारीख चल रही है आपकी बाकी नॉर्थ जोनल काउंसिल की मीटिंग हुई थी दे हैव डिस्कस्ट अबाउट दिस सिक्योरिटी इश्यूज सो जोनल काउंसिल क्या होते हैं दिस आर अ स्टैट्यूटरी बॉडी नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इंटर स्टेट काउंसिल होते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ठीक है इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया सेटअप करते हैं जोनल काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं आपके होम मिनिस्टर साहब इसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू सेटअप किया जाता है तो इसमें आपके अलग अलग जोन होते हैं तो इनकी रीजनल मीटिंग हुई है जोनल काउंसिल की टू डिस्कस ऑन दिस सिक्योरिटी कंसर्न उसके अलावा आई वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर पौंडीचरी ने एक पेटेंट फाइल किया है फॉर दो यूनिक प्रोडक्ट इन्होंने बनाए हैं एक आर्टिफिशियल डाइट एंड अ फीडिंग डिवाइस फॉर मॉस्किटो इन जिनको लेबोरेटरी में बनाया गया तो ये जैसे ही मॉस्किटो क्या होते हैं आर दीजार है वैक्टरबॉन्ड डिजीज़ को ट्रांसमिट करते हैं ठीक है तो ये क्या बनाया गया इनको इनके लिए इन्होंने डिस्कवरी किया एक पेटेंट फाइल किया है कि इनके जो आर्टिफिशियल डाइट जो हो सकती है जिसको ये लोग टेस्ट करके बाद में इन्वायरमेंट में छोड़ सकते हैं तो जैसे एक सिमिलरली एक न्यूज़ आई थी पहले वल्बाकिया करके वोल्बाकिया से क्या होता था कि ये स्टेराइल हो जाते थे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते थे तो सिमिलरली यहाँ पे भी आप देखोगे इन्होंने एक एक आर्टिफिशियल डाइट और फीडिंग डिवाइस बनाया है मॉस्किटो के लिए जो जिनको लेबोरेटरी में ग्रो किया जाएगा और बाद में इनको इन्वायरमेंट में छोड़ देंगे ताकि ये मेट करके दूसरे जो मॉस्किटो है इनको स्टराइल बना देंगे उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी बाकी स्टडी ने पाया तीन एसिम्टोमैटिक मंकी पॉक्स केस ये मंकी पॉक्स केस जो है काफी जगह बढ़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहा है इसका द टेस्टेड स्टडी हैज फाउंड दैट इन अ लॉट ऑफ पीपल जो सिम्टम्स है वो देखने को मिला ही नहीं है तो ये क्या है एक वायरल जूनोटिक डिजीज है जूनोटिक मतलब जानवरों से स्प्रेड होती है और ये जनरली नाइजीरिया में एंडेमिक है मंकी पॉक्स वायरस जो है ये ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस को बिलोंग करता है एंड जो नेचुरल होस्ट अभी तक इसका पता नहीं चला है पर जनरली क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स में पाया गया और मंकी से ट्रांसमिट हुआ था इसलिए हम लोग ने मंकी को बदनाम कर दिया बट रैबिट्स में भी मिलता है तूहों में भी मिलता है सब चीज़, सब सब चीज जानवरों में मिलता इट्स अ जूनोटिक वायरस डिजीज बाकी वेम्बनाथ लेक आपको पता है वहां पे बहुत फेमस ये स्नेक बोट रेस होती है नेहरू ट्रॉफी जो होती है तो ये नेहरू बोट ट्रॉफी काफी फिर ऑर्गेनाइज की जा रही है वेम्बनाथ लेक विच इज बेसिकली वन ऑफ दी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो दिस इज़ लाइक अ बैक वाटर इसको कयाल्स भी बोलते हैं ऑन द कोस्ट ऑफ केरला तो वल्लम कली या नेहरू ब्रोट ट्रॉफीज को बोलते हैं स्नैक ये स्नैक बोट होती है इट्स द यू नो शेप ऑफ अ स्नैक बहुत फेमस एक्टिविटी है ये एंड uh, पहली बार इसको उन्नीस में कंडक्ट किया गया था इन दिनर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू जब वो एलेपी आए थे एलेपी में होता है तो वैम्बनाथ लेक जो है लार्जेस्ट केरला की लेक है और लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की ठीक है वैम्बनाथ कोल भी बोलते हैं उसको एंड द सेकेंड लार्जेस्ट रामसार साइट इंडिया में आफ्टर तो कुमारकम बर्ड सेंचुरी यहां पे सिचुएटेड है मैं पर्सनली गया हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है ठीक है बाकी जो लोग अभी जुड़ रहे हैं अगर यू वांट टू टेक सब्सक्रिप्शन अभी फिफ्टीन परसेंट ऑफ चल रहा है ऑन कॉम्बो ठीक है तो यू कैन यूज द कोड डीपीएस लाइव या डीप टू सेवन तो अभी आप देखोगे जो फिफ्टी में मिल रहा है ऑलमोस्ट टेन से फिफ्टीन की सेविंग है आइकॉनिक में मोर देन ट्वेंटी थाउजेंड की सेविंग है सो दिस इज एप्लीकेबल टिल फिफ्टीन ऑफ जुलाई सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गेट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन ज्वाइन माई अपकमिंग कोर्सेज ऑन अदर सब्जेक्ट लाइक सोशोलॉजी एंड इंटरनेशनल रेशन पॉलिटी ऑलरेडी चल रहा है बाकी द सप्लीमेंट्री डिमांड हो सकता है इस बार ना आए सो द गवर्नमेंट मे नॉट प्रेजेंट अ सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स इन द अपकमिंग मानसून सेशन सिग्नलिंग द मिनिस्ट्रीज की उनको फिजिकल प्रूडेंस की जरूरत है ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिजिकल डेफिजिट टारगेट को ब्रीच नहीं करना है तो पार्लियामेंट सेशन जो होता है जब उसको बुलाया जाता है तो उसमें देखोगे आप कई बार बजट के अलावा खर्चा हो जाता है तो सप्लीमेंट्री ग्रांट और एडिशनल ग्रांट के ऊपर सवाल आ सकता है कि सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या होता है अभी खत्म नहीं हुआ भैया कहाँ चले गए सप्लीमेंट्री ग्रांट होता है इट इज ग्रांटेड वैन द अमाउंट ऑथोराइज बाय द पार्लियामेंट जो है वो अप्रूव जो है सफिशेंट नहीं होता तो आपको एक्स्ट्रा ग्रांट मिलती है एडिशनल होता है जब एक कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए अगर सफिशेंट नहीं है तो सप्लीमेंट्री दिया जाता है अगर कोई इमरजेंसी टाइप आ जाए तो उसके लिए एडिशनल ग्रांट दिया जाता है और उसको उस साल के बजट में कंसिडर नहीं करते ठीक है आधे लोग भाग्य सोचे अरे सर ने ये बता दिया बाकी इंटेंस रेन हैज लेड टू राइजिंग ऑफ वाटर लेवल इन इंडुकी इंडुकी जो है आप देखो पूरे इंडिया में ही वाटर लेवल बढ़ा हुआ है बिकॉज बारिश बहुत हो रही है एक ये दिल्ली नोएडा में बारिश नहीं हो रही बाकी सब जगह जम के बारिश हो रही है तो ये इडुकी रिजर्वयर है आप देखोगे दिज यू नो दिस हैज आर्च डैम इट इज इंडिया स्टॉलेस्ट आर्च डैम आर मतलब ऐसे कर्व के शेप में ये देख रहे हो आप ये एंड द वॉटर फ्लोज फ्रॉम द ओपन शटर्स विल फ्लो टू द अरेबियन सी वाया दी हूतन केतु एंड कलदी एंड एन एनुआ तो जो एक्सेस पानी होता है वो अरेबियन सी में यहां से रिलीज कर दिया जाता है अब प्रॉब्लम क्या होती है जब रिजर्वर फुल हो जाएगा बारिश बहुत होगी तो इनको फिर ये रिलीज करना पड़ता है जिससे फ्लड्स आने के चांसेस होते हैं तो केरला इज नाउ अगेन लुकिंग टूवर्ड्स फ्लड और ये जनरली हर साल की कहानी है क्योंकि इंक्रोचमेंट इतना ज़्यादा हो गया है कि अब जो सॉइल है वो वाटर को होल्ड नहीं कर पाती तो मैन मेड प्रॉब्लम भी है क्योंकि जब रिजर्वर से पानी रिलीज किया जाता है तो उसको पहले एडवांस में नोटिस में इशू किया जाता है ठीक है उसको इन्फॉर्म किया जाता है लेकिन वो यहाँ पे होता नहीं है तो मुल्य परियार से जो पानी डुकी पहुँचता है वो सारा अक्यूमुलेट हो जाता है यहाँ पे बाकी ग्लोबल एडिबल ऑयल प्राइसेस जो है क्रैश कर गई क्या बाकी कमोडिटीज के भी प्राइसेस हिट होंगी तो वी आर लुकिंग एट अ सो सो कॉल्ड रिसेशन तो प्राइस ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स हैव बीन डिक्लाइनिंग ग्रेजुअली एज सप्लाई सीम्स टू बी ईजिंग तो इंडिया लगभग तेईस मिलियन टन के आसपास एडिबल ऑयल हम लोग कंज्यूम करते हैं जिसमें से लगभग तेरह से चौदह मिलियन टन हम लोग इम्पोर्ट करते हैं जिसमें मैक्सिमम पाम ऑयल है सोयाबीन एंड सनफ्लावर ये सवाल एग्जाम में आता है ठीक है सो इंडिजनली अगर आप देखोगे मस्टर्ड कॉटन सीड हम लोग मेजरली यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं पाम ऑयल हमारा मलेशिया इंडोनेशिया से आता है सोयाबीन अर्जेंटीना ब्राजील से आता है और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री बोलती है दैट वी हैव प्लांटेड अराउंड सेवेंटी सेवन पॉइंट एट जीरो लाख हेक्टेयर अंडर दी खरीफ ऑयल सीड्स दिस डेटा एंड फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट तो जनरली अगर आप देखोगे हार्ड ऑयल और सॉफ्ट ऑयल में डिफरेंस क्या होता है हार्ड ऑयल जनरली क्या हो जाते हैं? सॉलिड हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। जैसे कोकोनट ऑयल आपने देखा है अब रूम टेम्परेचर पर हो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा लेकिन सॉफ्ट ऑयल जो होते हैं वो लिक्विड ही रहते हैं फॉर एग्जाम्पल ऑलिव ऑयल एवोकाडो ऑयल स्वीट ऑलंड ऑयल दे एट अ मॉइस्चर एंड सिल्की फीलिंग टू सोप इसलिए देखो साबुनों में इनको मॉइस्चर एड करने के लिए स्किन में डाला जाता है कि स्किन पर आपका मॉइस्चर जो आ जाए तो दे आर एडेड बिकॉज दे ऑलवेज रिमेन लिक्विड वहीं पे कोको बटर पाम ऑयल ये देखोगे बिल्कुल गाढ़े हो जाते हैं विंटर में तो जम जाता है बिल्कुल तो उनको हार्ड ऑयल बोलते हैं तो अभी ऑयल की प्राइसेस क्रैश कर रही हैं दिस इज गोइंग टू अफेक्ट अदर कमोडिटीज आल्सो बाकी आपने देखा है आज आर ने बड़ा स्ट्रिक्ट एक रुपी के बेसिस पे उन्होंने बोला है ट्रांजेक्शन इंटरनेशनल सेटलमेंट होगा तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे बाकी ट्वेल्व टू थर्टीन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट इन लोन हैज बिन गिवन टू स्ट्रीट वेंडर्स ठीक है तो जो आपके स्ट्रीट वेंडर हॉकर होते हैं मैक्स जो तेरह बारह से तेरह परसेंट एनपीए हुआ है वो इनको दिया गया था लोन उसके अलावा टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल लोन क्या होते हैं डेली ऑन्टरप्रीशरप डेवलपमेंट स्कीम के अंदर मिलता है फिर रूरल गोडाउन के लिए मिलता है लोन अगेंस्ट वेयर हाउस रिसीट मिलता है उसके अलावा सोलर स्कीम्स के लिए मिलता है तो दीज आर टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल लोन तो बस नाम याद रखेगा ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आप सेल्फ है ठीक है जैसे वेयर हाउस रिसीट जो होता है वो डिस्ट्रेस सेल फार्मर को जब फंड चाहिए होता है पोस्ट सर्विस उसके लिए होता है सोलर स्कीम के लिए आपको देना होता है तो वो भी आपका एक एग्रीकल्चरल लोन के अंदर आता है तो एग्रीकल्चरल लोन क्या है क्या नहीं है ये कभी कभी सवाल प्रम सिंह पूछ लेते हैं बाकी खर्ची पूजा जो है ये त्रिपुरा का फेस्टिवल है जिसको प्रधानमंत्री मोदी जो है गए थे तो उन्होंने इनाग्रेट किया था सो एक एक हफ्ते तक पूजा चलती है एंड खर्ची जो वर्ड खया से आया मीनिंग अर्थ तो इसमें साइदरा रिवर जो है वहां पे पूजा की जाती है एंड एनिमल सैक्रिफाइस ऑफ गोट एंड पिजन होता है इसमें बाकी साइंटिस्ट लोगों ने पहली बार एक वॉर्म बनाया है जो कैंसर सेल्स को मार सकता है ठीक है अनिसाकी सिम्प्लेक्स नाम है इसका हैज बीन रिपोर्टेड टू सेंस कैंसर पोटेंशियली बाय डिटेक्टिंग कैंसर ओडन एंड टू अटैच कैंसर टिश्यूज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो ये निमेटोटोज जो होते हैं दीज आर फ्री लिविंग वार्म नॉर्मली आपको सॉइल में मिलते हैं तो ओसाका यूनिवर्सिटी जापान में दे हैव डिस्कवर्ड जो probably, क्या करते हैं दे कंटेन सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट कैन एक्चुअली किल कैंसर सेल दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी तो हाइड्रोजल आर्मर होता है इन पे बाकी मॉनसून जो है वो इज गेटिंग हॉटर दैन समर ऐसी स्टडी आई है ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है एक्चुअली आप देखोगे लास्ट कुछ टाइम से ह्यूमिड कंडीशन ज्यादा होने के कारण जो नॉर्मल टेम्परेचर बत्तीस डिग्री लगता है वो आपको लगता है पचास डिग्री के बराबर बिकॉज वेन यू वैन देर इज अमिडिटी ज्यादा होती है तो यू फील मोर हॉट एंड दिस इज बिकॉज ऑफ हीट वेज एंड क्लाइमेट चेंज सो योर मानसून आर बिकमिंग हॉटर दैन समर समर सीजन में चालीस डिग्री टेम्परेचर था तो अब तो मानसून में पचास डिग्री फील होता है रियल टेम्परेचर नहीं बढ़ता वो आपकी फीलिंग जो है आपको लगता है बिकॉज स्वेटिंग बहुत होती है तो यू फील मोर हॉट सो दिस हैज बिन इंक्रीजिंग ठीक है तो नेक्स्ट जनरेशन कैंसर थेरेपी जो है कैन किल ट्यूमर्स विदाउट हार्मिंग द हेल्दी सेल्स तो ऑनकोलाइटिक वायरोथेरेपी जो है इट डिलीट्स अ रीजन ऑफ जीन विच बीन शोइंग टू एक्टिवेट द सिग्नल पाथवे तो नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में क्या डिफरेंस होता है कैंसरस सेल कोई भी सेल होता है जो एबनॉमली ग्रो कर जाए तो एक नई डिस्कवरी हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन की जो बता रहे हैं कि ऑनकोलिटिक वायरोथेरेपी से दे कैन किल कैंसरस सेल लेकिन उससे आसपास कीमोथेरेपी में जैसे बाकी सेल्स डैमेज होते थे इसमें डैमेज नहीं होंगे बाकी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है न्यूज है ड्रैगन फ्रूट कल्टिवेशन को पचास हजार एक्टेयर में सेंटर प्रमोट करेगा ठीक है गुजरात गवर्नमेंट ने रिसेंटली इसको नेम रीनेम कराया है एज कमलम लोटस सुपर फ्रूट भी बोला जाता है डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है लो कैलरीज होता है बट हाई न्यूट्रीन लाइक आयरन कैल्शियम पोटेशियम एंड जिंक एंड इट डज नॉट नीड मच वाटर एंड कैन बी कल्टीवेटेड ऑन ड्राई लैंड ऑल्सो इसको प्रमोट करेगी सरकार और ये इसके कुछ फायदे हैं बोन्स एंड टीथ नर्वस सिस्टम आई सपोर्ट ग्लोइंग स्किन एंटी इन्फ्लेमेटरी रिजेशन कार्डियोवास्कुलर एंटी एजिंग इम्यूनिटी एंड कैंसर प्रिवेंशन जब आप ड्रैगन फ्रूट को काटोगे तो अंदर से ऐसा ही दिखता है व्हाइट कलर का होता है उसमें काले 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 बीज होते हैं ऐसे ठीक है बाकी एक एक जजमेंट आया है बस एक दो न्यूज रह गई है जहां पे दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि माइनर मुस्लिम ग्रम विल आल्सो बी कवर्ड अंडर पॉस्को पॉस्को इज एप्लीकेबल टू ऑल माइनर इर रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन इसमें कोई रिलीजन का रोल नहीं है ठीक है चाइल्ड के अगर ऊपर सेक्शुअल अब्यूज हुआ है तो पॉस्को एक्ट सबके लिए एप्लीकेबल होगा इसमें रिलीजन से कोई लेना देना नहीं होता है

एयर मासेस से हो जाता है जनरली यहां पे क्या है ऑफ बंगाल और अरेबियन से दो क्लाउड सिस्टम आकर इंटरेक्ट करके और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होने से क्या होता है बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ठीक है बाकी हाँ ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई है इंटरस्टेलर मॉलिकुलर क्लाउड्स में शायद ओरिजिन ऑफ लाइफ डिस्कवर किया गया है और नाइट्राइल्स जो होते हैं नाइट्राइल्स क्या होते हैं नाइट्राइल्स जरा बेसिकली क्लास ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ठीक है इनको पाया गया कि दीज आर द सोर्सेज हैव बीन फाउंड तो नाइट्राइल्स की डिस्कवरी इज एन इम्पोर्टेंट फैक्ट तो शायद इससे हम समझ पाए कि हमारे प्लानट में लाइफ कैसे आई थी बाकी डिफेंस एक्सपोर्ट तेरह हज़ार करोड़ पहुंच गया है एंड बोरिस जॉनसन का टाटा बाय बाय हो गया है बस तो तो इतना ही है था आज के लिए इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है नो नो नीड टू वेस्ट मोर टाइम ऑन करंट अफेयर्स इतना पढ़ो जितना याद रख सकते हो और एडिटोरियल हम लोग करेंगे कल कल भी क्लास ले लूंगा कल एडिटोरियल कवर अप कर लेंगे ठीक है इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा बाकी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा बहुत बहुत धन्यवाद गुड नाइट शबाखेर शुभरा